जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके ये गोश्ता हमारा हमारा। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा सॉन्ग मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इसके नोट्स बताने वाला हूँ बहुत प्यार से। दोस्तों ये मैंने सॉन्ग डाल रखा है आखिर ऐसा नहीं, लेकिन आज मैं इसको आपको सही से बताऊंगा, सही से नोट्स बताऊंगा जो नोट्स हैं इसके, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है दोस्तों। इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है इस टाइम, और हमारे देश के जो त्यौहार होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा हमारी जुलूस पार्टियाँ भी बजती हैं, तो हाँ हम इस चीज़ को बजाते हैं। और दोस्तों आप बैंड पार्टी में अगर काम करते हैं तो आप इसको शुरुआत में भी इस तरीके से एक म्यूजिक के आधार पर बजा सकते हैं, मतलब आप मुझसे नहीं गाना तो इस तरीके से आप इसकी आपकी सलामी, शुरू की सलामी आप लोग बजाते हैं। दोस्तों मेरे पास कमेंट पे आती है मेरे भाई की मार्च बजा, मार्च एक मार्च था वो उसमें बजता है, हमारे इंडियन आर्मी होती है वहाँ पे मार्च बजती है तुम तुम तुम, तो इस तरीके से ये मार्च भी एक तरीके से हो जाती है। तो शुरू में आप इसको एक सलामी के बतौर बजा सकते हैं, एक मार्च के बतौर बजा सकते हैं, और आप एक शुरुआती जो बैंड पार्टी का काम करते हैं तो आप इस सॉन्ग को, इस म्यूजिक को, आप इन नोट्स को बजा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से इसके लोग सुनेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। तो ये बहुत प्यार से मैं आपको बताने लगाऊंगा, ट्रम्पेट इंस्ट्रूमेंटल बताऊंगा तो बहुत प्यार से आपको, और बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आपको ये अच्छे समझ में आए और बहुत इजीली आप घर बैठे ट्रम्पेट इंस्ट्रूमेंटल में इसको निकाल सकें, ठीक है। अब यहाँ पे आप सीख लेंगे फिर आप कहीं भी प्रोग्राम में इसको बजाते हैं। तो दोस्तों इसके नोट्स बहुत इजीली नोट्स हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं, लेकिन आपको एक तरीके से बजाना बहुत प्यार से, ठीक है, उसको देखना। तो सबसे पहले हम इसके लिए कौन देखते थे सारे अच्छा, ठीक है, यहाँ से ये हमारी स्किल हो जाती है। और आपको बहुत ही समझ आएगा दोस्तों, मैं आपको इतनी प्यार से बताऊंगा कि आप बहुत ही दोस्तों ये बहुत, अब दोस्तों इसको समझने किस तरीके से, दोस्तों ये तो आपने बजा दिया, अब दोस्तों इसको कई तरीके से आप कई प्रकार से बजा सकते हैं, जैसे कुछ ये तो मैंने ठोकरों के साथ बजाया, अब आपको उसको मतलब अपने चादरों के साथ बजाना, तो किस तरीके से बजाएंगे देखो, कई तरीके देखें दोस्तों, कई तरीके से हम इस चीज को बजा सकते हैं। जैसे हमने अभी इस तरीके बजाया ना, हमने इस तरीके से भेजा है, अब हम इसको किस तरीके बजाते हैं वो भी देखें, ये दोस्तों हमारा, हम जैसे ज्यादा देर तक हमारा काम हो रहा है, वैसे दोस्तों नोट्स थोड़े ही बचते हैं, जहाँ शुरुआती सलामी होती है हमारे मात्र लगभग ऐसी होती है, मतलब आपके मान लो 30 सेकंड मान लो या एक मिनट से ऊपर की सलामी नहीं होती, एक मिनट में आपको सलामी उससे अंदर अंदर बजाना है, तो ये एक मिनट से अंदर अंदर का काम है इतना, और उसको आप मतलब अच्छे से बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे, इसका राग में जब खो जाएंगे तो आप एक अल्लाह भी इसमें पढ़ा सकते, ठीक है। देखिए मिठास से बजाएं तो आपको देखो कितना अच्छा लगता है, देखिए बहुत अच्छी मिठास है, ठीक है, मिठास से बजाना हो गया। अब हम कहीं पब्लिक में बजा रहे हैं, जैसे हम कहीं रियाज कर रहे हैं, रियाज इस तरीके से हम रियाज करेंगे तो आप उसको ठोकरे बहुत जल्दी मिल जाएंगे, है ना, तो रियाज करने का बहुत अच्छा तरीका है, और आप सुकून में कम आवाज में आप इसको बहुत अच्छे से रियाज कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप जब इसको अच्छे से बजाएंगे फिर आप इसको थोक रूप में किस तरीके से प्रयोग करेंगे, ठीक है? देखो थोड़ा उसमें पानी भर गया ना, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा कम बजा रहा हूँ ना, तो बारिश का टाइम है, तो मैं इसको बच्चे जहां तक डालते हैं इसको थोड़ा गौर नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ी सी कमी है इसमें टाइम में, वो मैं आपको सही करूंगा, उसके बाद मैं सब कितना अच्छे से बोलेगा, ठीक है? फिर भी कोशिश करता हूँ क्योंकि पानी थोड़ा निकाल लूँ। देखिए अब बहुत इजीली आपको दोस्तों मैं बताऊंगा इसको नोट्स, ठीक है? ये दोस्तों हमारा बहुत प्यार से सुकून में बड़ा शांत माहौल में इसको बजाएंगे इस तरीके से। आप नोट जाएंगे तो आपको अगर आप रियाज करेंगे इस तरीके से तो आप बहुत सभी तरीके से बजा सकते हैं, क्योंकि शुरुआती चीज जो है वो मैं आपको लास्ट में बताई, जो आपको शुरुआती चीज थी मैंने आपको लास्ट में, अगर आप सबसे लास्ट में, इसलिए मैंने आपसे बोला कि वीडियो लास्ट तक देखें, लिख दिया था मैंने आपकी स्क्रिप्ट के बीच वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में जो चीज है वो मेन है, ये चीज सीखना बहुत जरूरी है, अगर इस चीज को सीख लेंगे तो आप हर तरीके से बजा सकते हो। ये दोस्तों बहुत ही फेमस चीज है हमारे देश पर त्योहार पर, कभी भी इसका कहीं भी आप बजा देंगे इसको तो आपकी तारीफ ही होगी, ठीक है? कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में इस चीज को बजा सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगेगी आपको, आपको समझ में आया, मैंने आपको बहुत अच्छे समझाता हूँ इसको, ऐसे समझाता रहूंगा आपको बहुत अच्छे से प्यारे प्यारे नोट्स, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी, नोट्स अगर आप सीख लेंगे तो आप कोई भी गाना नहीं पा सकेंगे, ठीक है? तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर दें, और कमेंट में जय हिंद या जय भारत या जो भी आपका देशभक्ति नारा है वो आपसे लिखेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।